चलो पहिरियों कमु थियो त असां माया में एनिमेशन कीअं कंदासीं, ठीकु आहे? हुन खां पोइ अॻियां मां कैरेक्टर ते सम्झायां थो त एनिमेशन अगरि कीअं थी। सो माया में एनिमेशन करण के लिए बेसिकली वी नीड टू थ्री बेसिक स्टेप्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैंने एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक, बॉल आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इस बॉल को मुझे एनिमेट करना है तो इसके तीन स्टेप्स हैं जो आपको एक सीक्वेंस में बेसिकली फॉलो करना है। पहला स्टेप ये है कि टाइम सेट करो कि टाइमिंग कहाँ से स्टार्ट हो। ये टाइम स्लाइडर है, ये रेंज स्लाइडर है। टाइम स्लाइडर आपको बताएगा कि करंटली आपके पास 120 फ्रेम है 1 से लेके। रेंज आपको बताएगा कि आप इस रेंज को, टाइम को बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्टार्ट अगर ये है स्क्रोल, जैसे पेज को स्क्रोल करते हैं, स्क्रोलिंग आ गई, तो आप टाइम को स्क्रोल कर सकते हो। तो इस वक्त मैंने टाइम को स्क्रोल किया तो नाउ आई एम गेटिंग टाइम फ्रॉम 55 फ्रेम्स टू 174 फ्रेम्स। ये नंबर मुझे यहाँ भी नज़र आ रहा है, यहाँ भी नज़र आ रहा है, इधर भी नज़र आ रहा है, इधर भी नज़र आ रहा है। उसूलन मेरे पास 1 से लेकर 200 फ्रेम्स हैं, तो अगर मैं इसको पूरा ले गया तो 200 तक जाऊँगा, लेकिन नज़र मुझे सिर्फ 81 से लेकर 200 तक अभी इस टाइम आ रहा है। तो ये रेंज स्लाइडर है सिर्फ दिखाने के लिए कि आपको कितने टाइम नज़र आ रहा है, कितना ज़्यादा है। मुझे टाइम बढ़ाना है तो मैं ये जो नंबर है ये समझो स्टार्टिंग, ये एंडिंग फ्रेम्स, इसको उठा के मैंने कर दिया 500, तो अब मेरे पास 500 फ्रेम्स आ गए, तो टाइम स्लाइडर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। तो अब मैं 500 तक भी जा सकता हूँ, उन तक मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पूरी 500 फ्रेम्स यहाँ पे नज़र आए, तो मैं इन बटन्स पे क्लिक करूँगा, क्लिक एंड ड्रैग, तो मेरे पास पूरी 500 फ्रेम्स आ गई। या सिर्फ 100 फ्रेम नज़र आए तो मैं यहाँ पे रेंज दे दूँगा कि यार सिर्फ 100 फ्रेम्स तक मुझे नज़र आए, तो 1 से लेके 100, 104 तक आ गई, ठीक है। अब मुझे सिर्फ 100 फ्रेम्स का ब्लॉक नज़र आ रहा है, जब भी जाऊँगा मैं तो 194 से लेकर 290, तो 100 फ्रेम्स का नज़र आएगा। तो ये रेंज हम लोग टाइम स्लाइडर को आगे पीछे मूव करते रहते हैं, क्योंकि आगे जब आप एनिमेशन करोगे तो आप 1000, 2000, 5000 फ्रेम्स तक भी हो सकता है एक सीन के अंदर में आके काम करो। तो वो 5000 फ्रेम्स जब एक साथ नज़र आएंगे, अगर इसको मैं 5000 कर दूँ, 1, 2, 3 ये हो गई 5000 काफ़ी। तो अब ये 5000 फ्रेम्स, तो ये 5000 फ्रेम्स मैं एक साथ भी देख सकता हूँ, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बट जब हम एनिमेशन करते हैं तो फिर हम इसको कम कर, तो रेंज को मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं कि सिर्फ मुझे 400 फ्रेम्स दिखाओ या 100 फ्रेम्स दिखाओ, फिर मैं चूज़ भी कर सकता हूँ कितनी फ्रेम्स में नज़र आए, उस हिसाब से मैंने मेन किया। तो ये बड़ा हैंडी और बड़ी यूज़फुल चीज़ है माया के अंदर जो हम लोग काम करते हैं। फिलहाल इसको वापस मैंने 200 पे लेकर आ गया। फिर ये स्टैंडर्ड प्ले फॉरवर्ड रिवाइंड बटन जो हमारे पास, ठीक है, फ्रेम्स को प्ले करना, नेक्स्ट फ्रेम करना, अगली फ्रेम पर जाना, नेक्स्ट की फ्रेम, प्रीवियस की फ्रेम वगैरह किस बटन, तो इनको फिर आगे हम एनिमेशन में डिस्कस करता रहूँगा, ठीक है। करंटली मैं किस फ्रेम को सेलेक्ट किया हुआ है, कर्सर मेरा किस फ्रेम पर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, तो वो मुझे यहाँ पे भी नीचे नंबर नज़र आएगा, फॉर एग्जांपल 46, वो नंबर मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, करंटली मैं 46 फ्रेम पर। अब इसका सारा काम क्या है कि पहले मैं आ गया 1 फ्रेम पे क्लिक किया, नीचे भी 1 लिखा आ रहा है, यहाँ भी 1 आ गया। मैंने फ्रेम टाइम सेलेक्ट किया, फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेलेक्ट की कि मेरा ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो, ठीक है, और फिर मैंने एस प्रेस कर दिया। ये तीन स्टेप्स, ठीक है, लेट मी राइट दिस डाउन नोटपैड। स्टेप्स ऑफ एनिमेशन, पहला स्टेप सेलेक्ट योर टाइम फ्रेम, ठीक है, कि आपकी टाइम फ्रेम कहाँ है, SELECT सेलेक्ट टाइम फ्रेम, मीन्स कि मैंने टाइम फ्रेम सेलेक्ट की, अब की बार 10 फॉर एग्जांपल। फिर सेकंड स्टेप में ये है कि मूव एंड POSI पोजीशन योर ऑब्जेक्ट तो नेक्स्ट एनिमेटेड पोज के। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ऑब्जेक्ट को मूव करो, पोजीशन करो, रोटेट करो, ठीक है, जो भी उसका अगला एनिमेशन का पोज होगा। कि पहली फ्रेम पे आपने कहा था ऑब्जेक्ट इधर हो, 10 फ्रेम पे मैं चाह रहा हूँ ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर आ जाए, ठीक है, ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 3 सेट की फ्रेम, प्रेस एस की, ठीक है, क्या करना है, प्रेस एस की करना, मींस एस की प्रेस कर दी। जब आप एस प्रेस करोगे तो जहां पे आपकी करंट टाइम फ्रेम है 10 के ऊपर, दिस विल बी इन रेड लाइन। अब वो एक लाल लॉन्ग लाइन नजर आ रही है, ये लाइन इंडिकेट कर रही है कि यहां पे की फ्रेम थी, अगली की फ्रेम यहां पर है। और ये लाल जो प्ले और रिवर्स का बटन है विद रेड लाइन, ये इंडिकेट कर रहा है कि जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये प्रीवियस फ्रेम पे जंप हो जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट फ्रेम पे जंप हो जाएगा। अब जैसे ही मैं प्रीवियस फ्रेम पे गया तो टाइमलाइन 1 पर आ गई और आपका ऑब्जेक्ट भी अपने प्रीवियस पोजीशन पे आ गया,
फिर मैंने नेक्स्ट किया, ऑब्जेक्ट भी नेक्स्ट पोजिशन पर आ गया और टाइम भी नेक्स्ट पर, ठीक है। तो ये तीन स्टेप्स, फिर अगेन दोबारा से पहला स्टेप क्या, सेलेक्ट टाइम फ्रेम, अगेन मैंने कहा टाइम फ्रेम 20, टाइम फ्रेम ने एक्सचेंज किया। फिर नेक्स्ट स्टेप्स, मूव योर पोजिशन योर ऑब्जेक्ट टू नेक्स्ट एनिमेटेबल पोज, तो फिर नेक्स्ट एनिमेटेबल पोज डब्ल्यू प्रेस किया, मैं वापस नीचे लेकर आ गया फॉर एग्जांपल इसको, और इसकी रोटेशन जो थी मैंने थोड़ी और घुमा दी। आप चाहो तो स्केलिंग कम कर दो, जो जो आपको पोज सेट करना है, ठीक है। पोज सेट किया, तीसरे स्टेप में की फ्रेम सेट करो, वापस माया में आए, एस प्रेस कर दिया, तो यहाँ पर रेड लाइन आ गई, की फ्रेम रिकॉर्ड। दिस मीन्स कि आपने तीन पोजिशंस ऑब्जेक्ट के रोटेट कर, ठीक है। इसको वापस मैंने कम कर लेते हैं ताकि 20 फ्रेम्स मुझे नज़र आ सकें क्लियरली, ठीक है। तो ये 20 फ्रेम्स हमें नज़र आ रही है रेड लाइन्स। अब अगर मैं टाइमलाइन पे वापस स्टार्ट पे क्लिक करूँ, ऑब्जेक्ट वन पे गया, सिंपली प्ले बटन पे क्लिक करो तो आपका ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। इसको स्टॉप किया, वापस आके स्लोली मैं खुद ही क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, तो सीधे से आपका ऑब्जेक्ट एनिमेट हो। ये एनिमेशन के तीन स्टेप्स, पहले टाइम फ्रेम सेलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट को मूव करो, तीसरा की फ्रेम सेट करो, फिर टाइमलाइन चेंज करो, टाइम फ्रेम सेट करो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेट करो, की फ्रेम सेट करो, बस पूरा सेटअप ये। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया फर्स्ट, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि हम लोग जाके फाइन ट्यून जब करते हैं, फाइन ट्यून में हम क्या करते हैं, अगेन प्रोसेस वही है, REPEAT रिपीट, स्टेप्स 1, 2, 3 बस। मीन्स के अब मैं आ जाऊंगा वापस यहाँ पे, पहले हम लोग अगली अगली पोजेस फाइनल पोज उठा रहे थे, कि पहला बॉल यहाँ पे था फर्स्ट टाइम बॉल यहाँ पे था, फिर 10 पे यहाँ पर आया, फिर 20 पे यहाँ पे गया। मैंने कहा पर जब बीच में आए तो बॉल 5 फ्रेम्स पे जब पहुँचे तो थोड़ा सा डब्ल्यू प्रेस किया, इसकी बॉल की ओरिएंटेशन मैंने और ऊपर कर दिया, सॉरी बॉल की जो ओरिएंटेशन थी वो मैंने ऊपर कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे एस प्रेस कर दिया, नाउ व्हाट हैपेंस, ये फाइन ट्यून हो गई, जब बॉल जाएगा तो पहले हवा में ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर नीचे जब वापस इधर आएगा तो मैंने कहा जब 15 पे पहुँचे तो अब पोजीशन वही हो पर ज़रा सा नीचे चला जाए, ठीक है। तो अब ग्रिड ये नीचे चला गया, एस प्रेस कर दिया, तो नाउ व्हाट विल हैपन कि आपका बॉल पहले ऊपर गया, फिर बॉडी पे गया, फिर नीचे गया और फिर वो आया, तो ये कहलाती है फाइन ट्यून एनिमेशन, एडिंग इन बिटवीन की फ्रेम्स, इसको हम कहते हैं फाइन ट्यून एनिमेशन या इन बिटवीन की फ्रेम्स। इन बिटवीन मीन्स दरमियान में, तो पहले जो स्टेप्स होता है शुरू में हम आखिरी के पोज फाइनल स्टेप पोज देते हैं, कि पहले ऑब्जेक्ट इधर था, फिर ऑब्जेक्ट इधर आया, फिर ऑब्जेक्ट इधर गया, फिर इन बिटवीन उसके बीच के पोजीशंस को हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। बस ये की फ्रेम का है, ऑब्वियसली फिर इसमें भी और बहुत सारी चीज़ें जाती हैं जिसमें हम उसके एनिमेशन को एडजस्ट कर रहे हैं। अब एक प्रॉब्लम यह है कि जब मैंने प्ले किया तो बॉल जो है वो जंप कर रहा है फट 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 फट, ठीक है। दैट इज़ बिकॉज अभी उसकी मैंने जो फ्रेम रेट है वो ज़रा सेट नहीं किया हुआ। फ्रेम रेट से मकसद ये कि इफ़ यू क्लिक ऑन दिस आइकॉन हेयर, ठीक है, ये एनिमेशन सेटिंग्स का है, इस पर क्लिक किया तो एनिमेशन की सेटिंग्स आ गई मेरे पास टाइम स्लाइडर की, ठीक है। यहाँ पे इफ़ आई गो बैक तो इसने ऑप्शन दिया हुआ है प्ले बैक स्पीड प्ले एवरी फ्रेम, तो वो हर फ्रेम को प्ले बैक कर रहा है, तो इस वजह से बड़ी तेज़ी से और एनिमेशन ज़रा सही नहीं आ रही। हमें पता है कि जब हम एनिमेशन या मूवी चलती है तो एक फ्रेम रेट पर चलती है, रिमेंबर हमने मल्टीमीडिया में भी पढ़ा था 24 फ्रेम रेट, 25 फ्रेम रेट या 30 फ्रेम रेट, NTS, PAL या फिल्म रेट। तो इफ़ आई क्लिक ऑन दिस वन तो ये चीज़ें यहाँ पे आ गई, रियल टाइम 24 फ्रेम रेट, जिसको हम फिल्म रेट भी कहते हैं, मतलब जो आपकी मूवीज चलती हैं थिएट्रिकल मूवीज़ वो 24 फ्रेम रेट पे चलती है, तो वो 24 फ्रेम्स पर सेकेंड, मीन्स वो 24 फ्रेम्स एक सेकेंड की एनिमेशन के लिए चाहिए, इसको हम सेट कर दिया। हाफ यूजली हम गेम के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, गेम फ्रेम जब गेम होती है, क्योंकि गेम में आपके टाइम फ्रेम कम ज़्यादा नहीं चाहिए होता है प्रोसेसर स्पीड वगैरह की वजह से, तो हम कम फ्रेम्स यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह से ट्वाइस दुगना और ज़्यादा फास्ट चलाने के लिए, जैसे हॉबिट मूवी आई थी उसने 48 फ्रेम्स पर सेकंड यूज़ किया था, ये वाहिद मूवी है जिसने ऑफिशियली लॉन्च करते 48 फ्रेम्स यूज़ किए थे, ठीक है। बहरहाल इसके ऊपर हम बाद में जाएंगे। यूजली व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू सेट इट टू 12 फ्रेम्स पर सेकंड, मींस टाइम यहां पर सेटिंग्स पे इस पर क्लिक किया, रेफरेंस की विंडो आ गई 24 फ्रेम रेट की। यहाँ पे आप और भी कर सकते हो सेटिंग्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसकी जो साइज़ है वो करंटली मैंने कहा छोटी है 2 कर दो तो साइज़ बड़ी हो गई, ठीक है, 4x कर देंगे और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ये हम तब करते हैं जब मेरे पास एक तो बहुत ज़्यादा की फ्रेम्स, फिर मैंने इसमें साउंड भी डाला हुआ है तो साउंड की वेव्स भी यहाँ पे आ जाती हैं, तो
उसको ज़रा बेहतर देखने के लिए हम इसकी साइज़ बड़ी कर लेते हैं वगैरह वगैरह। इसी तरह से की टिक साइज़ फॉर एग्जांपल, ये प्रॉपर्टी है कि की साइज़ बिल्कुल बारीक सी वन लाइन है, इसको थोड़ा मोटा करके देखना चाह रहे हो यू कैन टर्न इट टू टू, तो थोड़ी सी और थिक लाइन हो गई, इसको थोड़ा और बड़ा कर दो थ्री तो और मोटी हो गई, डिपेंडिंग कि आप कितनी बड़ी बड़ी कर रहे हो। यूजली आई जस्ट वर्क विथ टू या वन इज इनफ फॉर मी, ठीक है। बाकी किसी और बहुत सारी सेटिंग्स है, ब्ला 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 चलती रहती है। स्नैपिंग यूजुअली मैं ऑन कर लेता हूँ, स्नैपिंग का मतलब ये कि 1.1, 1.2, 1.3 को 1 पे स्नैप कर देगा, या 2 होगा तो 2 पे, तो वो पॉइंट्स में आपकी फ्रेम्स नहीं चलेंगे, पॉइंट्स आपका प्रॉब्लम कर लेता है। क्लिक ऑन सेव, कहानी खत्म। अब अगर आप प्लेबैक किया तो आपके टाइमलाइन, आपके एनिमेशन देखो वो प्रॉपरली सही से प्ले हो रही है, तो वो जंपिंग वाला इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो मेक श्योर यू डू दैट कि यहाँ पे जाके 24 फ्रेम रेट कर दिया हमने, ठीक है, अब आपकी टाइमलाइन प्रॉपर सेट हो। ये हमारे पास एनिमेशन का प्रोसेस है, ठीक है, 24 फ्रेम रेट के हिसाब से मैंने इसको सेट किया हुआ है। इसको लेट क्लोज दिस, स्टॉप किया इसको। इसी तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, उसको हम इसी तरह से एनिमेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक कैरेक्टर ओपन किया, ठीक, दिस इज स्टैन रिग, ये नेट से डाउनलोड किया हुआ एक कैरेक्टर है, बड़ी ज़बरदस्त रिग बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज ईशान भट्टी, I am the creator of Zishan Academy, an online multimedia learning and educational site that has video lectures on and notes on various subjects. So, to keep update, like, share, and subscribe. Oh, that's nice.